5 करोड़ का ऑफर ठुकराया, गौमूत्र को एनर्जी ड्रिंक बनाया, कौन है ये पहलवान जिससे देसी टार्जन कह रही दुनिया। पेड़ पर चढ़ता है, पत्ती तोड़ कर खाता है, कीचड़ में लेटकर एक्सरसाइज करता है, खुद को अखंड वाला ब्रह्मचारी कहता है। एक साथ लगाए 8100 सपाटे, न पैसा कमाना न फेमस होना है, बस करना चाहता है एक काम, बना डाले 12 रिकॉर्ड। देसी पहलवान तो बहुत देखे, देसी टार्जन को पहली बार देखिए जिसने 8 साल की उम्र में अनाज खाना छोड़ दिया, सिर्फ फल और दूध खाकर जीता है, खुद को शुद्ध शाकाहारी अखंड बाल ब्रह्मचारी बताता है। जैसे मूवी में टार्जन जंगलों में रहता है, जानवरों से प्यार करता है, ठीक वैसे ही हरियाणा का ये पहलवान जंगलों में रहता है, पेड़ पर चढ़ता है, भूख लगने पर पत्ती तोड़कर खाता है और गौमूत्र को एनर्जी ड्रिंक समझकर पी जाता है। इस पहलवान के चर्चे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अमेरिका में भी हैं। लोग इसे देसी टार्जन कहते हैं पर असल नाम है संजय सिंह पहलवान, जो पलवल के रहने वाले हैं। ये खुद बताते हैं कि एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी ने सीधा फोन कर कहा, आपको 5 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए, अमेरिका आइए, वीडियो शूट करिए या फिर आप लोकेशन बताइए, हमारे लोग वहीं पहुंच जाएंगे। ऑफर सुनने के बाद इस पहलवान ने जो कहा वो हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। इन्होंने कहा, आपकी एनर्जी ड्रिंक में कितना दम है मैं नहीं जानता, मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि असली एनर्जी ड्रिंक गौमूत्र है, उससे बीमारियाँ भी ठीक होती हैं और एनर्जी भी मिलती है, इसीलिए मैं आपकी कंपनी का प्रचार नहीं कर सकता, आप मुझे 5 नहीं 10 करोड़ भी दोगे तो मैं नहीं करूँगा। जवाब सुनकर कंपनी के अधिकारी हैरान थे, तभी पता चला अहमदाबाद में डीएनए टेस्ट करने वाली एक टीम आई है, जिससे सीधा चैलेंज करते हुए इस पहलवान ने कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, जिसे शक है वो आकर टेस्ट कर ले और जो फर्जी ब्रह्मचारी हैं वो आकर मुकाबला करने, अगर वो जीते तो मैं उनकी हर बात मानूंगा, अगर मैं जीता तो उन्हें मेरी बात माननी होगी, इसी के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तक 12 रिकॉर्ड बना चुके इस पहलवान की खास बात यह है कि कीचड़ में सपाटे लगाना इसे पसंद है, 10 घंटे में 8100 सपाटे लगाकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि बड़े बड़े दिग्गज नहीं तोड़ पाएंगे। WWE के पहलवानों से लेकर टाइगर श्रॉफ तक को खुला चैलेंज देसी टार्जन ने दिया है। बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, कहीं का भी कोई भी हीरो अगर खुद को ज्यादा फिट समझता है तो देसी टार्जन का खुला चैलेंज है, क्या कर हमसे भिड़े। ऐसे में लोग इस बात से हैरान हैं कि क्या ये सब प्रसिद्धि पाने के लिए देसी टार्जन ने किया है, तो ऐसा नहीं है। 21 साल के इस पहलवान का जो उद्देश्य है उसे सुनकर हर सनातनी हाथ जोड़ देगा। देसी टार्जन का कहना है कि जैसे फादर्स डे, मदर्स डे और तमाम डे मनाए जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे देश में गौ दिवस मनाया जाना चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, ये दो मांगे सरकार जिस दिन मान लेंगी उस दिन लाइव आकर 50,000 सपाटे लगाऊंगा। इन्होंने ये तपस्या अभी से शुरू भी कर दी है। ये तस्वीर संजय सिंह पहलवान ने 8 अक्टूबर को अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की थी, जिसमें सिर के लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ है और तपस्वियों की तरह बैठे हुए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसे दर्द नहीं होता है, जिस जमाने में हीरो 8 पैक और 6 पैक बनाने के लिए तमाम प्रोडक्ट्स खाते हैं, कोई वेज तो कोई नॉन वेज खाकर बॉडी बनाता है, ये बिना पैसा खर्च किए 12 पैक एप्स बना चुके हैं, जिसे ध्यान से देखेंगे तो शेर की चेहरे की तरह दिखेगा। हो सकता है कि अंकित बैनपुरिया के बाद पीएम मोदी अब इस देसी टार्जन से भी मुलाकात करें या सीएम योगी गौ सेवा के लिए बुलाकर सम्मानित करें। पर आप इस पहलवान को क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट में बताएं।